Hi friends, welcome to our YouTube channel. Let's learn from home. This is Dhiranjan Tiwari. I will teach you 9th class political sciences, basically. About other subjects, I don't know. But right now, I will teach you politics, political science. So guys, let's start. This is my first video, so I will briefly introduce about the contents or what we are going to teach, we are going to read an entire syllabus. So our first chapter is what is democracy and why democracy. So dear students, democracy kya hoti hai? Sabko pata hoga ki Bharat mein jo sarkar hai usko kaun chunta hai? Who elect our government? तो सबको पता है कि हम लोगों द्वारा ही चुना जाता है. तो डेमोक्रेसी क्या होती है अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की? अच्छा, क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में कैसी सरकार है? जब आप नॉर्थ कोरिया की बात करते हो, उसके अलावा ब्रुनेई की बात करते हो, तो देर आर सो मेनी कंट्रीज़ जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है. तो डेमोक्रेसी होती क्या है, तो यहाँ पे हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी क्या होती है. डेमोक्रेसी होती है द सेट ऑफ, या कह सकते हो कि इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल्स. ठीक है, आपने एक डायलॉग बहुत बार सुना होगा कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, कि लोगों द्वारा लोगों के लिए डॉल. तो दिस इज़ डेमोक्रेसी. तो लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार, द गवर्नमेंट हु इज इलेक्टेड बाय द पीपल्स, यही क्यों ज़रूरी है? आप नॉर्थ कोरिया में देखो, वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होती, वहाँ पे किंग हैं. और उसके अलावा आप ब्रुनेई में देखो, वहाँ पर भी किंग हैं. सो मैनी कंट्रीज आर देयर. तो क्यों डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे उसमें. उसके बाद सेकेंड चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन. अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हम एक सरकार चुनते हैं, वी इलेक्ट अ गवर्नमेंट हु रूल्स अस, जो हम पर रूल करता है. तो जब हम बात करते हैं कि वो हम पर रूल करता है या सरकार वो हमारे देश को चलाता है, तो क्या वो अपने मन से चला सकता है? क्या वो मनमानी कर सकता है? तो इसका जवाब होता है नहीं, वो मनमानी नहीं कर सकता. ही कान डू एनी थिंग, ही कान डू वाट एवर ही वॉन्ट्स टू डू. क्या होता है, हमारे देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं. देयर आर सम सेटअप्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय विच एनी पर्सन या एनी पार्टी, एनी गवर्नमेंट रूल्ड ऑन अस, या जो भी सरकार है, जो भी पार्टी है, जो भी पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग ही वो हम पर रूल करता है या गवर्न करता है या सरकार चलाता है. तो वो जो सेटअप्स ऑफ रूल्स होते हैं, उन्हीं को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया जाता है, किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं. इसमें हम साउथ अफ्रीका या भी एग्ज़ाम्पल लेंगे, उसके अलावा इंडिया के बारे में फिर पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेटअप कर सकती हैं या कैसे सेटअप्स होते हैं. उसके बाद थर्ड है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. तो जब हम कहते हैं कि वी इलेक्ट द गवर्नमेंट, सरकार हम चुनते हैं, अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पर्सन आ जाए? जैसे भारत में बहुत सारी पार्टियाँ हैं, आप सब जानते होंगे, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुत सारी पार्टियाँ हैं. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी सरकार बना लेता है? तो उसके लिए क्या किया जाता है, इलेक्शंस कराए जाते हैं. तो इलेक्शंस क्यों ज़रूरी हैं, इलेक्शंस कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे. देन आता है उसके बाद चैप्टर नंबर 4, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस. इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है कि भारत में जो गवर्नमेंट होती है या भारत में जो पॉलिटिक्स है, जो हम पर गवर्न करते हैं, उनको हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी.
लेजिस्लेचर मतलब द इंस्टीट्यूशन हु मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो वो जुडिशरी जिसमें हम पार्लियामेंट को लेते हैं उसमें लेजिस्लेचर आ जाता है, लेजिस्लेचर में हम पार्लियामेंट को स्पेशली देखते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब द इंस्टीट्यूशन हु आप क्या कह सकते हो, आपकी द इंस्टीट्यूशन हु फॉलोज द रूल, हु मेक अस टू फॉलो द रूल्स, जो इम्प्लीमेंट करता है रूल्स को उसे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें हमारा गवर्नमेंट आता है, जो भी गवर्नमेंट काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़, ये सारे आ जाते हैं उसमें। उसके बाद जुडिशरी आ जाता है, जुडिशरी आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट। तो हम जुडिशरी के बारे में पढ़ते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव में परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, उसके बाद कुछ टेम्प्रेरी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, या जिनको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में देखेंगे कि वो इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करती हैं, पार्लियामेंट कैसे काम करता है, पार्लियामेंट में लोकसभा कैसे काम करता है, राज्यसभा क्या होता है, देन गवर्नमेंट क्या होती है। हम कहते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर इज द सुप्रीम पावर, हैज़ द सुप्रीम पावर। तो प्राइम मिनिस्टर के पास सुप्रीम पावर कैसे होता है, तो प्राइम मिनिस्टर्स को देखते हैं हम, प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद उनके जो और भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके बारे में हम इसमें देखेंगे। और लास्ट चैप्टर इज़ डेमोक्रेटिक राइट्स। अगर हमारे पास कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो हमारे द्वारा इलेक्ट की गई है, हमारे द्वारा चुनी गई है, हमने उसे बनाया है, और हम अभी ऊपर बात कर रहे हैं कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं, तो अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारे पास क्या कुछ राइट्स हैं? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब जनता द्वारा, जो लोगों द्वारा, पीपल्स द्वारा इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होता है, एंड द गवर्नमेंट विच इज़ नॉट इलेक्टेड बाई द पीपल्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? द बेसिक डिफरेंस इज दैट गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड बाई द पीपल्स, दे गिव्स सम आर सर्टन राइट्स टू देयर पीपल्स, बट इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल्स कैन नॉट इन्जॉय सम काइंड ऑफ राइट्स। तो हम जब हम डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हैं तो हम इसमें पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिलते हैं या डेमोक्रेटिक कंट्री में मिलते हैं बट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं मिलते। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो हम इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, राइट टू इक्वलिटी पढ़ेंगे, राइट टू फ्रीडम पढ़ेंगे, ये हमें बोलने का अधिकार है। क्या आप नॉर्थ कोरिया में ऐसे ही बोल लेंगे जैसे आप यहाँ पे बोल लेते हैं, घूम लेते हैं, जब मर्जी आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं? यू कॉन्ट डू दिस ऑल दिस इन नॉर्थ कोरिया। सो दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक स्टेट्स एंड नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट। सो वी हैव टू रीड ऑल दिस 5 चैप्टर्स। सो टुडे इज आई थिंक 31st of March। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड। सो हम यही 5 चैप्टर्स इसको डिफाइन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो डिस्क्रिप्शंस में हमारे टेलीग्राम आईडीज़ आपको मिल जाएंगी। आप वहाँ पर जाके कोई भी डाउट्स होगा आप वहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। वहाँ हम हमेशा अवेलेबल होंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। सो गाइज प्लीज़ शेयर एंड सपोर्ट टू आवर चैनल्स। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय बाय।